हेलो प्यारे बच्चों, बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए। फिजिकल में अगर 100 मार्क्स लेके आने तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सेकंड चीज़, ये वीडियो काफ़ी मोटिवेटिंग होने वाली है। थर्ड चीज़, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, मतलब आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और वो क्यों है ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि फिज़िकल की तैयारी हमको कैसे करनी है। देखिए, फिज़िकल काफ़ी बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मतलब काफ़ी नहीं, 99% बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं पूरे साल, क्योंकि वो अपने मेन सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपको भी पता है यार, अगर फिज़िकल में आप 100 मार्क्स लाते हो, 95 प्लस मार्क्स लाते हो, तो आपके जो परसेंटेज है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि 6 घंटे हैं या फिर 8 घंटे में पूरी फिज़िकल कैसे पढ़ी जाए, किस प्लानिंग से पढ़ी जाए कि फिज़िकल में पूरे मार्क्स आएँ आपके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको एक मेल दिख रहा होगा, ये मेल आप में से किसी एक बच्चे ने मुझे भेजा है, जो एक दिख रहा होगा आपको CBSE लर्नर्स के नाम से। इस बच्चे को अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको पूरा मेल बता दूं, तो इस बच्चे ने काफ़ी सारे कमेंट देखे मेरे चैनल पे, और उसने देखा कि इन भैया को सब बच्चे बोल रहे हैं कि फिज़िकल की वीडियो अपलोड करिए, वीडियो अपलोड करिए, पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था इतने टाइम से। रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास फिज़िकल नहीं था, तो मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं भी दे सकता था जिससे आपका एग्ज़ाम बेकार हो जाए, ठीक है। तो इस बच्चे ने क्या करा, इस बच्चे ने, ये बच्चा टॉपर है फिज़िकल में, तो इस बच्चे ने सारी वीडियोस बनाई हैं बहुत अच्छे से, मैंने इसका पूरा चैनल देखा अच्छे से। तो इस बच्चे ने जो मेल में लिखा है उसमें क्या लिखा है कि सर सिर्फ आप मुझे फीडबैक बताइए, क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर हूँ, आप जो बच्चों की हेल्प करते हैं, तो मैं भी बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पूरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ डाली हैं, और इसमें बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ डाली हैं, काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज़ हैं इसके, 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के। तो अगर आप इनके वीडियोज़ से, सारे वीडियोज़ जो अभी आपको दिख रहे हैं CBSE लर्नर्स पर, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, अगर ये सारे वीडियोस आप अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके, मतलब तमीज़ से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे ना, तो आपके यार पूरे मार्क्स आ जाएंगे, और काफ़ी बहुत अच्छे से, मतलब एनर्जी वाले वे में आपको बताया, काफ़ी एनर्जेटिक बंदा है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? चलो, दो पार्ट तो हमारे हो गए, अब हम थर्ड पार्ट पे हैं। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेट ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है ना। तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो अच्छे से चेक करो, नोट्स डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में हर बार बोलना पड़ता है क्या करूं मुझे। अब सेकंड चीज़ यार, इस बच्चे ने सिर्फ फीडबैक मांगा था, तो ऐसा मत समझिएगा कि इस बच्चे ने कोई प्रमोशन मांगा था मुझसे, या मैं इसका चैनल प्रमोट कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और थर्ड चीज़, जो आप, मैं बताया था आपको कि ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है, तो इसका रीज़न ये है, अगर आप भी यार किसी चीज़, किसी वे में अगर बच्चों को हेल्प करना चाहते हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो coderlucky@gmail.com पे, जैसे इस बच्चे ने मुझे बोला था। तो मैं आपका भी कोई भी चीज़ होगी, मैं YouTube पे आपको बता सकता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, बाकी लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तभी, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी को आगे बढ़ना चाहते हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और जो भी चीज़ होगी मुझे आप बता सकते हो। इस बच्चे ने सिर्फ फीडबैक के लिए बोला था, लेकिन मैं इसकी सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसने मुझे बाद में कॉल भी किया था, फिर मैंने इससे पूछा था कि क्या नाम है, इस चीज़ में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, मतलब नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ है। तो इसने गूगल ड्राइव पर नोट्स भी दिए हैं, काफ़ी चीज़ें दी हैं। तो यार, अब आपका काम क्या है कि इसकी वीडियो एक एक करके फॉलो करिएगा, काफ़ी अच्छे से बताया, हर चीज़ नोट्स कराइए, प्रॉपर नोट, बिल्कुल अच्छी वाली राइटिंग में हर चीज़ तैयार करके रखिए, और इसका मोटिव यही है कि बस आपकी हेल्प हो जाए। तो आप बिल्कुल यार अच्छे से इसकी सारी वीडियोस देखिएगा, ठीक है। और ये मोटिवेटिंग क्यों है यार, क्योंकि कोई इंसान अगर आपकी हेल्प करता है किसी भी अपने बिना फ़ायदे के लिए, तो यार ये बहुत बड़ी मोटिवेटिंग चीज़ है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा यार, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आपको लगता है, तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर जुड़िएगा, मैं बिल्कुल हेल्प करना चाहता हूँ। आफ्टर 2 डेज मैं मिशन इंडियन एजुकेशन यहाँ पर अपलोड करूँगा, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती है, जो हम लोगों को एक्सपीरियंस से पता चल जाती हैं, जिससे आपका फ्यूचर बिल्कुल अच्छा जा सकता है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो मिशन इंडियन एजुकेशन क्या है, मैं आपको 2 दिन बाद बिल्कुल बता दूंगा, और आप वीडियो के नीचे बता दीजिएगा कमेंट में क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है, उससे आपकी भी हेल्प होगी, मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन होगा आपका, मतलब उससे भी, या फिर मेरे जो काफ़ी दोस्त होंगे और जो मेरे पार्टनर्स होंगे, टीम पार्टनर, उन सबसे वो आपको आपके फ्यूचर के लिए मतलब सजेस्ट करेंगे, मतलब 1-to-1 समझते हो ना, वो आपको कॉल पे, वीडियो कॉल पे बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि आपके परसेंटेज इतने हैं, कैसे काम करना है आपको, किस चीज़ का फॉर्म भरिए, इस सब के बारे में। तो फिज़िकल के लिए बेस्ट है यार, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाना, उस लिंक पर दबाना, इनके चैनल पर जाना, सब्सक्राइब करना मत करना यार, इस सब चीज़ के लिए ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और यार देखो, इस सबकी सारी वीडियोस की जो लेंथ है वो 4-to-6 hours की है, नीचे जो उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उन सबको देखना, कंफर्म है आपके 90+, 95+, 100 मार्क्स पक्का आ जाएंगे, ठीक है। तो यार बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और प्लीज़ इस चीज़ को यार गलत वे में मत लेना,
मुझे सिर्फ आपकी हेल्प करनी थी, मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो अपलोड किया, इस बच्चे को आपकी हेल्प करनी थी इसलिए इसने इतनी मेहनत करी है। तो प्लीज़ यार थोड़ा विश्वास के साथ, मतलब ऐसा कोई भी गलत कमेंट मत करना, नहीं तो आगे के लिए काफ़ी मेरे को वो हो जाती है यार कि बच्चे गलत समझ लेंगे तो मैं जो मन चाहता है मतलब वो चीज़ें अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ यार, ठीक है, चलो बच्चों, जय हिंद, लव यू, बाय बाय। और हाँ यार, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वाली वीडियो को। शेयर सिर्फ इसलिए कर देना यार ताकि दूसरे बच्चों तक ये बात पहुंच सके, तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए कर देना यार ताकि मुझसे जुड़ सको, और लाइक इसलिए कर देना यार ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों की हेल्प हो भी पाती है या नहीं हो पाती है। तो जितने लाइक्स आ जाते हैं उससे पता चल जाती है कि हाँ, इतने बच्चों को वीडियो पसंद आई, इतने बच्चों को मेरा काम अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए बच्चों।